सत्या स्काई न्यूज पंजाब विखे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। जिथे पंजाब विधानसभा चोणां दे नतीजे 10 मार्च नूं आण जा रहे ने, उस तो पहला ही पंजाब दे विच पांच राज्यसभा सीटां दे उत्ते चोणां दा ऐलान हो गया है। जी हाँ, पांच राज्यसभा मैंबरां दा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिन्हां दे उत्ते हुण नवीं चोण होएगी, नवे मैंबर चुने जाणगे। दस दईए कि 31 मार्च नूं कहा जा रहा है कि चोणां होणगियां, उस तो पहला 14 मार्च तो नामजदगियां भरन की तारीक ऐलान की गई है। 21 मार्च तक की जो तरीक दी गई है नामजदगियां भरन नूं लैके। दस दईए कि पांच मैंबरां दा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो उस तो इलावा राज्यसभा के 7 मैंबर ने जिन्हों का कार्यकाल, जिन्हों के 5 का कार्यकाल हूँ खत्म होएगा, तो 2 का कार्यकाल जुलाई के जाके खत्म हो जा रहा है। उस तो अलावा दस दिए कि हूँ 5 सीटों के उत्ते चोण लड़ी जाएगी, कि मैंबर ने दस दिए कि पंजाब तो राज्यसभा के लिए चुने गए 5 संसद मैंबर सुखदेव सिंह ढींसा, नरेश गुजराल, श्वेत मलक, प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह दुलू का 6 साल का कार्यकाल 9 अप्रैल में पूरा हो जा रहा है। तो कार्यकाल पूरा होने तो पहला यह चोणा की जाएगियां, तो नवे मैंबर चुने जाएंगे। तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए साढ़े नाल जुड़े हुए हैं साढ़े पोलीटिकल एडिटर नील पलिंदर जी। किवें देख रहे हो इस इन चोणों, क्योंकि 10 मार्च में जो है विधानसभा चोणों का नतीजा आना है, तो उस तो पहले ही जोड़ा यह नवा ऐलान हो गया कि 5 सीटों के उत्ते राज्यसभा सीटों के उत्ते चोण लड़ी लड़ी जाएगी, तो इसका की असर पेगा विधानसभा के जो नतीजे होने उन्होंने इन्होंने चोणों के उत्ते किवें तो की असर पै सकता है। जी बिल्कुल, पहला तो स्पष्ट तौर के उत्ते कि जो चोणों का माहौल पंजाब च बनया हुआ चोण जाबता लगन तो बाद कैरी ऑन हो रहा है अगे तक, लगभग एक महीना अगे तक पंजाब च पोलीटिकल माहौल जिहड़ा है गरमाया रहेगा, क्योंकि तुसी भी कहा कि 10 मार्च नूं नतीजे आउणे ने, जेकर नवीं सरकार जिहड़ी भी बनदी है तां उहदी सरगर्मियां होणगियां, नवां मंत्री मंडल बनन दीआं सरगर्मियां होणगियां, नवां मुख्यमंत्री बनन दीआं सरगर्मियां होणगियां। जेकर एक पासड जिहड़ा नहीं आउंदा नतीजा तां हंग असैंबली आउंदी है, तां नवें जोड़ तोड़ दे दौरान ही जिहड़ा राज्यसभा दा जोड़ तोड़ चलेगा। सो यह स्पष्ट है कि पंजाब च जिहड़ा सियासी माहौल है वह गरमाया रहेगा। जिवें तुसीं वी कहा कि 9 अप्रैल नूं जिहड़ा 5 मैंबरां दा कार्यकाल आ जिहड़े पंजाब तों आउंदे ने उहनां दा पूरा हो रिहा है, तां नियमां मुताबक उस तों पहलां जिहड़ा है यह चोणां दी प्रक्रिया जिहड़ी है वह मुकम्मल करनी हुंदी है, तो इस करके जिहड़ा मार्च महीने दे अंदर यह प्रक्रिया मुकम्मल हो रही है। पर एक अहम जिहड़ी वड्डी सब तों वड्डी खबर कह लो या सब तों वड्डी गल इस वार यह रहेगी कि पहली वारी आम आदमी पार्टी दा पंजाब तों खाता खुलण दी संभावना बनी है राज्यसभा दे विच। यह पहली बार होने जा रहा, क्योंकि हुण तक रवायती पार्टियां कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल या भारतीय जनता पार्टी, इन्हां दे विधायक ही चुने जाते सन, क्योंकि पंजाब दे विच एक बार चुने जाण वाले विधायक नूं जिहड़ा है एक बार ही राज्यसभा दीआं वोटां पाउण दा मौका मिलता, यानी कि 10 सालां पिछों जिहड़ा एक विधायक नूं मौका मिलता है किसी भी टन्योर दे विधायक नूं, क्योंकि चोण जिहड़ी है वह 6 साल बाद हुंदी है, 5 साल बाद जेकर हुण जिवें कि 2017 दी मिसाल लो जसप्रीत, तुसीं आम आदमी पार्टी दे जिन्ने भी 21 मैंबर चुने गए विधायक बने, पर उहनां नूं राज्यसभा दीआं चोणां च हिस्सा लैण दा मौका नहीं मिलिया, क्योंकि 6 साल हुण पूरे हो रहे ने, उहनां दी टन्योर खत्म हो गई है। सो एक वार दे विधायक नूं मौका नहीं मिलता, सो इस करके आम आदमी पार्टी कोल इस वार सफिशेंट नंबर होने दे बावजूद एक मैंबर जरूर आम आदमी पार्टी दा इस वार जा सकता सी, जेकर चोणां दी टन्योर जिहड़ी है 6 साल ना हुंदी, घट हुंदी, जिवें कि होर राज्यां च 2 साल बाद वोटां पै जांदियां ने। जी जी, देख रहे हो कि जिवें हुण इन्हां 5 सीटां दे उत्ते चोण होएगी, तो उस तों बाद जुलाई दे विच कहा जा रहा है कि बाकी सीटां दे उत्ते जिहड़ियां 2 बचणगियां उहनां दे उत्ते होएगी। हाँ जी बिल्कुल, 4 जुलाई नूं जिवें कि 9 अप्रैल नूं 5 मैंबरां दा पूरा हो रहा कार्यकाल, ते 4 जुलाई नूं जिहड़ा है उह बाकी दे 2 रहिंदे मैंबरां दा पूरा हो रहा। पर एक दिलचस्प गल है जसप्रीत जिहड़ी समझणी बहुत जरूरी है कि इकट्ठियां 7 सीटां दे उत्ते अगर चोणां हुंदियां तां नतीजे राज्यसभा दे कुछ होर तरह आउणे सी, पर क्योंकि 5 ते हो रही है। मैं पहला एक मैं दसना चाहांगा जानकारी लई दर्शकां दी वी कि राज्यसभा दा मैंबर किवें चुणिया जांदा है। देखो राज्यसभा दे मैंबर हुंदा कि जिवें विधानसभा दी कुल गिणती फर्ज करो 100 होए जी, जिन्नी भी वोटां जिन्नी भी सीटां ने उहनां नूं जिहड़ा है 100 नाल गुणा कर लिया जांदा है। 100 नाल गुणा करन तों बाद जिन्नियां सीटां ने जिहड़ियां खाली होईयां सीटां ने या मुकम्मल भावें 7 सीटां ने उहनां दे विच इक जोड़ लिया जाता, मतलब 7 सीटां ने तां 7 + 1 = 8 कर लिया जाता है, उसनों फिर तकसीम कर लिया जाता 100 नाल। हुण आपां समझदे हां कि पंजाब दे विच किस तरह हुंदा है, गणित की है पंजाब दी राज्यसभा सीटां दा। पंजाब दे विच 117 सीटां ने, जिन्हां नूं 100 नाल गुणा करदे हां तां 11,700 अंकड़ा आउंदा है। बिल्कुल, तां 5 सीटां ते चोण हो रही है, 7 ते नहीं हो रही। यह दिलचस्प गल है, बड़ी ध्यान नाल सुनण वाली है कि 5 उत्ते चोण हो रही है तां 5 + 1 होएगा, 5 + 1 नूं जिहड़ा है उसनों जिहड़ा
इस नाल 100 नाल जिहड़ा हुण तकसीम कर लिया जाएगा जी, तां जो कि जेकर 11,700 दा अंकड़ा आया सी 117 नूं 100 नाल गुणा करन ते, तां उस नूं अगर इस च वंडीए तकसीम करिए तां 1950 आउंदा है। तां इस नूं अगे जाके आपां 100 नाल इहदी फीसद कढ़नी होए तां इह जिहड़ी तकसीम करके 19.50 आउंदा है जी। ते इहदा मतलब कि 117 विधायकां चों 20 विधायकां दी वोट दी जरूरत होएगी एक राज सभा मैंबर चुनण वास्ते जी, जी, उदों है जदों 5 सीटां ते हो रही है, जेकर 7 ते हुंदी तां इह 15 रह जाणी सी, होर घट जाणी सी। यानी कि जिस पार्टी कोल या जिस राज सभा मैंबर दे कोल 15 MLA ने, 15 MLA उहदे हक च वोट पाउण नूं तैयार ने, तां उह राज सभा च जा सकदा है। पर हुण जे मोटे तौर ते देखिए तां 20 विधायकां दी लोड पैणी है, जेकर आम आदमी पार्टी ने या किसी भी होर पार्टी ने राज सभा दे विच एंट्री करनी है। हुण देखो श्रोमणी अकाली दल नूं 2017 दे विच सिर्फ 13-14 सीटां मिलियां, पर राज सभा दे विच फिर उहनां दे मैंबर बैठे ने। उहदा कारण है कि 2012 च उहनां दी सीटां इन्नियां ज्यादा सन कि उहनां दी जिहड़ी गुणा घटा आपां दस्सिआ है कि उहनां नूं वध वोटां मिलण च कामयाब हो गए सी, आम आदमी पार्टी दी वारी नहीं आई, उहनां दी वोटां नहीं पईआं। सो इह एक मोटा मोटा हिसाब किताब है राज सभा दा। 5 मैंबरां दी जिहड़ी चोण होण दा जिहड़ा फायदा इस तरह हो सकदा है उस पार्टी नूं, जिस पार्टी दे कोल नंबर ज्यादा आणगे, इक तां उह सरकार बनाउण च कामयाब होएगी पंजाब च, दूजा आपणे वध तों वध मैंबर राज सभा मैंबर च राज सभा दे विच पंजाब तों भेजण च कामयाब हो जाएगी जी। तो कहा जा सकता है कि पंजाब जो सियासत है इस वेले दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पहला ही नतीजे नूं लैके सारे पंजाबी जो ने पब्बा पार ने कि किस दी सरकार बनेगी, तो उस तो बाद अचानक तो जिहड़ा यह ऐलान किया गया कि राज्यसभा दीआं चोणां होणियां, तो इस दे उत्ते भी काफी असर देखण नूं मिलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। दूजी सब तो वड्डी गल यह आ रही है कि जेकर 2024 दे विच केंद्र दे विच सरकार दे विच तब्दीली हुंदी है फर्ज करो जी, तां उदों तक किसे दा जिहड़ा हैगा कई तरहां दे दावे लग सकदे ने, कई वड्डे अहुदे मिल सकते हैं जिहड़े राज सभा मैंबर जांदे ने, या जिस तरह पंजाब दे विच हंग असैंबली दी आपां सोच रहे हां नवां जोड़ तोड़ होना है, उस नवें जोड़ तोड़ दे विच काफी इस तरह के लोग जो हुण फर्ज करो आपां जे एक मिसाल लेनी होवे जसप्रीत, कि जिस तरह बहुत सारे नेता ने पंजाब दे जिहड़े भारतीय जनता पार्टी वाल आकर्षित हुए ने, उन्होंने ज्वाइन किया, बड़े कद्दावर नेता भी ने, इतों तक कि सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भावें अपनी पार्टी खड़ी की है पर हमायत वह भाजपा की ही ले रहे ने ते दे रहे ने उन्होंने। राज्यसभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा जिहड़े ने अकाली दल दीआं वोटां नाल उह पिछली वार जिहड़ा है राज्यसभा च पहुंचे ने, इस वार जेकर उन्होंने राज्यसभा अपनी कंटिन्यू करनी है, मन्निया कि उन्होंने कोल विधानसभा दे विच इक भी सीट ना आए, उन्होंने बेटे परमिंदर ढींडसा की सीट भी फर्ज करो ना आए, हो सकता जित जाण हो सकता हार जाण, राज्यसभा विच जाण दा जिहड़ा उन्होंने राह एक तरह नाल इस पासे खुलदा है, जेकर यह गठजोड़ इकट्ठा रहिंदा है इन्हां कोल इन्ने क नंबर आ जांदे ने तां इक या दो मैंबर यह भी भेज सकदे ने। सो यह बहुत अहम होएगा, कल्ली ही हुण जिहड़े विधायक परसों नूं चुण के आउणे ने, 10 मार्च नूं चुण के आउणे ने, उन्होंने सिर्फ पंजाब दी सरकार नहीं बनानी, पंजाब दे विच राज सभा दे विच 5 बंदे भी चुण के भेजणे ने। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्नवाद सर तुहाडा तमाम जानकारी सांझी करन दे लई। इस वेले पंजाब की सियासत काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बनी हुई है, वेखना होएगा कि 10 मार्च को पंजाब की सत्ता कौन हासिल करता है, तो उस तो बाद राज्यसभा सीटों के उत्ते कौन विराजमान होएगा। हर एक अपडेट तक पहुँचाते रहेंगे, तो तुम भी देखते रहो स्काई न्यूज़ पंजाब।